हम सब ये जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, क्योंकि शेर जिस प्रकार का हिंसक प्राणी है, वैसे ही शेर सबसे ज्यादा बेपरवाह और निडर प्राणी भी है। इसके साथ शेर में जो लीडरशिप क्वालिटी होती है वो किसी और प्राणी में देखने को नहीं मिलती। थोड़ा सोचिए, अगर ऐसा प्राणी जिससे शेर भी डरे और वो प्राणी खरगोश से आयतन में सामान्य बड़ा हो तो क्या सोच रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका मतलब है आपने कभी हनी बेजर का नाम ही नहीं सुना है, अभी आप जो स्क्रीन पर इस छोटे और प्यारे से प्राणी को देख रहे हैं, इसका नाम हनी बेजर है। आप इस छोटे प्राणी को देखकर विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये प्राणी बीच बीच में कई बार जंगल के जबरदस्त भयंकर प्राणियों के साथ टक्कर लेता है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद इस प्राणी के संबंध में आप जितने भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे। हनी बेजर अपने कुछ विशेष गुणों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्राणी सबसे ज्यादा अफ्रीका महादेश में देखने को मिलता है, और इस प्राणी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस पर पृथ्वी के जहरीले सांपों के जहर का प्रभाव नहीं पड़ता। दरअसल इन प्राणियों की स्किन इतनी मोटी होती है कि अगर कोई इन्हें जहरीला सांप काटता भी है तो उस सांप का जहर इनकी स्किन को भेद कर इनके खून में नहीं मिलता। ये अपने पंजों की मदद से जमीन पर गड्ढा खोद कर उसे अपना घर बनाते हैं, और ये काफी क्विक नेचर के होते हैं। इनकी बॉडी भी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, वो जंगल के किसी भी प्राणी से नहीं डरते और कई बार ये अपने से बड़े प्राणी के साथ युद्ध भी करते हैं। आइए अब हम कुछ ऐसे फुटेजेस देखते हैं जिससे इनके साहसी होने का प्रमाण मिलता है। हनी बेजर वर्सेस हाइना। इस फुटेज में आप देख सकते हैं एक हनी बेजर एक हाइना पर आक्रमण कर रहा है। वैसे ही आप एक और फुटेज में देखेंगे भोजन के लिए एक हनी बेजर के साथ हाइना का दल लगातार युद्ध किए जा रहा है। हाइना के दल में 3 सदस्य हैं और वो चारों तरफ से हनी बेजर को घेर कर उस पर आक्रमण किए जा रहे हैं, लेकिन हनी बेजर न डरे उस हाइना के दल के साथ काफी सुंदरता से लड़ाई किए जा रहा है। यहाँ एक अकेले हनी बेजर ने हाइना के दल के नाक में दम कर लिया। हनी बेजर के तेज आक्रमण के सामने हाइना का दल कुछ भी नहीं कर पा रहा। हनी बेजर वर्सेस लियोपार्ड। माँ हनी बेजर कितनी साहसी होती है ये तो आपने पहले कई वीडियो में देख लिया। वैसे एक और फुटेज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लियोपार्ड ने एक हनी बेजर के बच्चे पर आक्रमण कर दिया, लेकिन लियोपार्ड जैसे ही हनी बेजर के बच्चे को खाना शुरू करने वाला होता है, उससे पहले वहाँ माँ हनी बेजर आकर उपस्थित हो जाती है और गुस्से में उस लियोपार्ड पर आक्रमण करती है। देखिए कैसे लियोपार्ड माँ हनी बेजर के आक्रमण से डर कर वहां से भाग जाता है। हनी बेजर अटैक्स द ज़ेब्रा। ये बात तो हम सब जानते हैं कि जब भी संतान मुसीबत में पड़ती है तो सिर्फ वो माँ ही होती है जो किसी की परवाह किए बगैर संतान की रक्षा के लिए आ जाती है। अगर हम जंगल की बात करें तो हर बार मुसीबत से अपने बच्चे को बचाना माँ के लिए संभव नहीं हो पाता, लेकिन अगर माँ हनी बेजर है तो बात पूरी तरह से अलग हो जाती है। इस फुटेज में आप देख सकते हैं एक माँ हनी बेजर अपने छोटे बच्चे के साथ जा रही है, लेकिन बच्चा काफी चंचल होने की वजह से वो एक समय माँ से थोड़ा दूर चला गया। अब देखिए उस बच्चे को अकेला समझकर 2 ज़ेब्रा उस पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वहाँ माँ हनी बेजर आ जाती है, और देखिए कैसे माँ हनी बेजर फुर्ती के साथ उन 2 ज़ेब्रा पर आक्रमण करने लगती है। ज़ेब्रा भी हनी बेजर के आक्रमण से डर कर वहां से भाग जाते हैं। फिर माँ हनी बेजर बच्चे को अपने मुंह में दबाए उसे लेकर वहां से अपने रास्ते निकल पड़ती है। हनी बेजर वर्सेस लायन। हनी बेजर एक ऐसा प्राणी है जो जंगल के राजा शेर से भी नहीं डरता। आइए इस बात की पुष्टि करने के लिए कुछ वीडियो फुटेज को देखते हैं। इस फुटेज में आप देखेंगे कि एक हनी बेजर के ऊपर एक शेर के दल ने आक्रमण किया है, लेकिन यहाँ भी हनी बेजर बिना डरे शेरों के साथ युद्ध किए जा रहा है। युद्ध करने के समय हनी बेजर अपने मुंह से एक भयंकर आवाज निकालते हैं जो उसके कॉम्पिटिटर प्राणी को डरा देता है। हनी बेजर वर्सेस वाइपर। इस फुटेज में आप देख पाएंगे कैसे एक हनी बेजर दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक वाइपर सांप का शिकार कर रहा है। ये फुटेज किसी रेगिस्तान में रात के समय लिया गया था। इस फुटेज में आप क्लियर देख पाएंगे कि एक वाइपर सांप रात के अंधेरे में शिकार करने निकला था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने हनी बेजर आकर उपस्थित हो जाता है और वो हनी बेजर उस सांप के मुंह से शिकार किया हुआ चूहा छीन लेता है। उसके बाद उसका टारगेट वो वाइपर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे वाइपर भी हनी बेजर पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार है,
लेकिन हनी बेजर के नुकीले नाखून और मजबूत पंजों की वजह से वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा। उसने उस हनी बेजर को एक बार काट भी लिया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में हम देख सकते हैं कि हनी बेजर ने उस वाइपर को मारकर उसके सिर से उसे खाना शुरू कर दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हनी बेजर कुछ समय के लिए जमीन पर गिर जाता है। आपको ये लग सकता है कि वाइपर के काटने की वजह से उसकी ये हालत हुई, लेकिन नहीं, 2 घंटे बाद हनी बेजर ठीक होकर अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगता है। अर्थात हनी बेजर के ऊपर सांप के जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जंगल में सांप की तरह एक और भयंकर प्राणी है जिसका नाम स्कॉर्पियन है। इस फुटेज में आप देख पाएंगे कैसे एक हनी बेजर ने कितनी आसानी से स्कॉर्पियन को मारकर उसे खा लिया। स्कॉर्पियन का जहर भी हनी बेजर पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। हनी बेजर वर्सेस पाइथन एंड जैकॉल। इस फुटेज में हम देखेंगे कैसे एक हनी बेजर पाइथन पर आक्रमण करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ हनी बेजर की किस्मत अच्छी होने की वजह से वहाँ पर 2 जैकॉल आकर उपस्थित होते हैं और हनी बेजर की मदद करना शुरू कर देते हैं। दोनों जैकॉल की मदद से हनी बेजर आसानी से पाइथन के कब्जे से आजाद हो जाता है और पाइथन को मार डालता है। दरअसल जैकॉल्स ने ये सोचा था कि अगर वो हनी बेजर की मदद करेंगे तो जब हनी बेजर उस पाइथन को मार देगा तो उन्हें भी पाइथन के मांस का कुछ हिस्सा मिलेगा। लेकिन देखिए कैसे पाइथन को मारने के बाद हनी बेजर उस पाइथन को लेकर झाड़ियों में चला जाता है, जिससे उसे मांस का भाग किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। हनी बेजर वर्सेस स्नेक। ये तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया कि हनी बेजर के सामने वाइपर जैसा सांप भी नहीं टिक पाता। देखा जाए तो वहां दूसरे सांपों का टिक पाना पॉसिबल नहीं है। अभी हम जो फुटेज दिखाने जा रहे हैं वो हनी बेजर और बुल स्नेक की लड़ाई का फुटेज है। बुल स्नेक साउथ अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। जब बुल स्नेक और हनी बेजर के बीच लड़ाई होती है तो वो युद्ध देखने लायक होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुल स्नेक सबसे पहले हनी बेजर के नाक पर काटता है। अगर कोई दूसरा प्राणी होता तो एक आक्रमण के बाद वो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाता, किंतु हनी बेजर उन प्राणियों में से नहीं है। इसके बाद हनी बेजर अपने मजबूत पंजों से बुल स्नेक पर आक्रमण कर शुरू कर देता है और कुछ समय बाद सांप को मारकर खाना शुरू कर देता है। हनी बेजर वर्सेस पॉर्क्यूपाइन। आइए अब हम हनी बेजर और पॉर्क्यूपाइन के युद्ध का फुटेज देखेंगे। पॉर्क्यूपाइन ऐसा एक प्राणी है जिसके शरीर के कांटा लगने से शेर की भी मृत्यु हो जाती है, लेकिन हनी बेजर इन कांटों से बिल्कुल नहीं डरते। यहां हम देख सकते हैं कि हनी बेजर ने रात के समय एक पॉर्क्यूपाइन के घोंसले पर आक्रमण कर दिया। पॉर्क्यूपाइन गुस्सा होकर अपने कांटों से हनी बेजर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन हनी बेजर उस पर आक्रमण न करके पॉर्क्यूपाइन के बच्चों को अपना शिकार बना लेता है। जैसे कि पॉर्क्यूपाइन के बच्चों के शरीर के कांटे अभी मजबूत नहीं हुए हैं, इसलिए हनी बेजर आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना ना भूले। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।